नमस्कार बागवान भाइयों, ये जो वैरायटी है ये है RD11। ये RD11 वैरायटी है और ये हिमाचल में आने वाला फ्यूचर है रेड डिलीशियस का। इसका कारण यही है कि ये पहला वैरायटी है जो एडम को कम्पीट करती है, मतलब कि इसका जो सेब है वो पूरी तरह से छोटे से ही लाल हो जाता है। दूसरी खास बात है कि ये फ्रूट जो है इलॉन्गेटेड शेप में जो है वो आ रहा है, जबकि जितनी भी इटालियन वेराइटीज़ हैं, चाहे वो रेड विलॉक्स है, किंग रॉट है, अगर उसमें PGR नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसका जो फ्रूट है वो गोलाकार में आता है। तो ये पहली वेराइटी है जो कि PGR को एक्सेप्ट करती है, और अगर आप PGR का हल्का सा छिड़काव इसमें करते हैं तो इसका जो फ्रूट है वो इलॉन्गेटेड आता है। तो ये जो है अभी तक जो जितनी भी वेराइटीज़ आई है हिमाचल प्रदेश में इटली से, उसमें सबसे अच्छी जो वैरायटी अभी तक जो निखर के आई है वो है RD11। तो ये RMS ऑर्चर्ड में ही फ्रूट लगा था 2023 में, तो इसका वीडियो जो हम आपसे शेयर करें, और इस साल भी 2024 में भी जो ये फ्रूट है वो इसी तरह से जो है निखर के आ रहा है। तो मतलब अभी जो हिमाचल प्रदेश में जो जिस तरह लीडिंग वेराइटीज़ में जो है वो RD11 आने वाला है, और ये जो फ्रूट है एडम के बाद अगर कोई फ्रूट हमारे ऑर्चर्ड में सबसे अच्छा आया है तो वो है RD11 रेड डिलीशियस। तो बहुत अच्छा सेब है, और सिर्फ एक ही दिक्कत जो है इस वैरायटी में वो है थोड़ा सा इसका जो ग्रोथ है वो बहुत कम है, ग्रोथ हैबिट लो है। लेकिन अगर आप इसमें प्रॉपर थिनिंग और अगर आप इसमें बीमे की जो छटाई जो है प्रॉपर तरीके से करते हैं तो इसको जो है ग्रोथ हैबिट जो है इसका जो है बहुत अच्छा है। तो सबसे खास बात यही है, फ्रूट लार्ज मीडियम साइज में रहता है, अर्ली कलर है, और सबसे खास बात कि फ्रूट इलॉन्गेटेड है। अगर आप PGR करते हैं इसमें तो ये फ्रूट जो है बहुत लंबे आकार का, मतलब कि कॉनिकल शेप में आ जाता है, जो कि आजकल की मार्केट का जो है वो डिमांड भी है पूरे विश्व भर में कि जो सेब है वो लंबोतरा होना चाहिए। तो ये RD11 मेरे हिसाब से, मतलब अभी जितनी भी वेराइटीज़ इंडिया में आई है, एडम तो अलग चीज़ है क्योंकि एडम को बीट नहीं, उसमें जो RD11 जो है वो एक नंबर की जो है वो वैरायटी रहने वाली है, क्योंकि ये इसका सेकंड दूसरा साल है फ्रूट का, और इस साल भी जिसका फ्रूट है वो 2024 में जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो तैयार हो रहा है।